नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक स्टोरी, एक किस्सा आपके साथ शेयर किया था किशोर कुमार जी का, किशोर दा का, और आज मैं एक अजीब सी बात आपसे शेयर करने आ रहा हूं कि आप सोच सकते हैं कि कभी लता मंगेशकर जी को किसी ने जहर दिया होगा, पॉइजन दिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं और बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। पूरी की पूरी लाइफ साइकिल आज आपकी लता मंगेशकर की आपको 10 से 15 मिनट के बीच में, सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में। तो शुरू करता हूं सबसे पहले लता जी के जन्म से। 28 सितंबर 1929 डेट ऑफ बर्थ है लता मंगेशकर जी का। उनके पिताजी गोवा से बिलोंग करते थे और मां जी उनकी बिलोंग करती थी गुजरात से। उनका बचपन का जो रखा गया नाम था वो था हेमा मंगेशकर, लेकिन उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी के एक प्ले में उन्होंने एक रोल अदा किया था और उस रोल में उनका नाम था लतिका और वहीं से उनका नाम पड़ गया लता मंगेशकर। सिर्फ एक दिन के लिए लता मंगेशकर जी स्कूल गई। आप इस बात को जानकर हैरान होंगे लेकिन यह सच्चाई है। लता मंगेशकर जी की दो और भी बहने सिंगर है, आशा भोसले जिन्हें के आशा मंगेशकर जी का नाम था और उषा मंगेशकर, वो भी सिंगर है। लता मंगेशकर जी के सिर्फ एक दिन स्कूल जाने के पीछे दो बातें सामने आती हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब वो स्कूल गई तो पहले ही दिन उनके टीचर ने देखा कि वो बच्चों को सिंगिंग यानी कि गाना सिखा रही थी और इसलिए उनको स्कूल से बाहर कर दिया गया। और दूसरी सोच ये है कि लता जी को ये पसंद नहीं था कि उनके साथ उनकी बहन भी आती थी आशा मंगेशकर जी भी स्कूल में और उनको रोका जाता था, तो ये बात लता जी को पसंद नहीं थी और इसलिए उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। तो ये दो बातें सामने आती हैं। 1938 में सिर्फ 9 साल की उम्र में लता जी ने पब्लिकली अपनी फर्स्ट सिंगिंग परफॉर्मेंस दी नूतन थिएटर शोलापुर में, और वहां पर उन्होंने दो मराठी गाने भी गाए और उसके साथ में खंबावती राग भी उन्होंने गाया जो कि बहुत कठिन माना जाता है, और वो भी सिर्फ 9 साल की उम्र में। जब लता जी सिर्फ 13 साल की थी 1942 में उनके पिताजी दीनानाथ, पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी स्वर्ग सिधार गए, उनका साथ छोड़ गया, परिवार का साथ छोड़ गया, जो परिवार का भार था वो लता मंगेशकर जी पर आ गया और उन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग का अपना कैरियर 1942 से ही शुरू किया। 1942 में ही उनका पहला गाना जो था वो रिलीज हुआ, फिल्म थी मराठी फिल्म किती हसाल, और उसमें उनका एक गाना था जो कि बाद में कुछ कारणों के कारण उस फिल्म से उसे हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, लेकिन वो ऑफिशियली लता मंगेशकर जी का पहला गाना था जो किसी फिल्म में आया। 1945 में लता मंगेशकर जी ने बतौर एक्ट्रेस, बतौर हीरोइन अपनी एक फिल्म में डेब्यू किया, फिल्म का नाम था बड़ी माँ। 1948 में एक और बात जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी कि उन्हें सिंगिंग के लिए ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी द्वारा कि उनकी आवाज बहुत पतली है, जो उनके सिंगिंग के गॉड फादर माने जाते हैं लता जी के गुलाम हैदर जी ने, वो गुस्सा भी कर गए और उन्होंने वहीं पर कह दिया कि यही आवाज एक दिन लोग पैर पकड़ेंगे कि आकर आप हमारे लिए गाना गाएं, और वो बात गुलाम हैदर जी की शत प्रतिशत 100% बाद में सही भी हुई। बात करते थोड़ी आगे की, उनकी जो पहली हिट गाना था, पहला हिट गाना था लता मंगेशकर जी का फिल्म महल से, जो कि अशोक कुमार जी की फिल्म थी, दादा मुनि जी की फिल्म थी, और उसमें एक गाना था, गाना आपने सुना ही होगा, मैं एक बार फिर आपको सुना देता हूं। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा, ये लता जी का पहला हिट गाना था और उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। एक गाना हिट हुआ और उसके बाद गाने पर गाना हिट होते चले गए। 1958 में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में लता जी को गाना गाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया ये कहकर कि फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड क्यों नहीं है, और इसी कारण, या आप यूं कह सकते हैं कि लता मंगेशकर जी की ही देन है कि आज फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड है। और यह कोई सोचने वाली बात नहीं है कि 1958 में जो पहला फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला वो भी लता मंगेशकर जी को ही मिला। फिल्म का नाम था मधुमती,
और गाना मैं आपको एक बार फिर सुना देता हूं। गाना था आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। इसके बाद की जो बात है जिसका आप अभी तक इंतजार कर रहे थे कि 1962 में लता मंगेशकर जी को स्लो पॉइजन दिया गया और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा, यहां तक कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। 10 दिन लगे उनको रिकवरी शुरू होने में, 3 महीने वो बेड पर रही। आज तक ये मिस्ट्री है कि उनको स्लो पॉइजन किसने दिया, लेकिन ये माना जाता है कि उनका एक रसोईया था, एक कुक था, जो इस इवेंट के बाद बिना तनख्वाह लिए घर छोड़कर चला गया और आज तक यही सोचा जाता है कि शायद स्लो पॉइजन देने वाला वो रसोईया ही था। लेकिन उस 3 महीनों के दौरान आप यूं समझ सकते हैं कि लता मंगेशकर जी ने मौत के साक्षात दर्शन किए और फिर से एक बार वापस आई अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए। 1974 में रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में उन्होंने गाना गाया और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय सिंगर बनी। लता मंगेशकर जी को 1969 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, जो कि 3rd highest सिविलियन अवार्ड है भारत में। 30 साल बाद 1999 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया, जो कि 2nd highest सिविलियन अवार्ड है भारत में। और उसके 2 साल बाद 2001 में उन्हें मिला भारत रत्न, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सो हाईएस्ट, 2nd highest, 3rd highest, तीनों अवार्ड जीतने वाली वो एक सिंगर है। एक अजीब सा नाम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका नाम है, जिन्होंने तीनों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो जीते हुए। 1972 में लता जी को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड, फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड 1972 में। गाना था जो कि जया बच्चन जी पर फिल्माया गया था, गाने के बोल थे बीती ना बिताई रहना, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो शायद यूं आ जाएगा, बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना। उसके बाद 2015 की बात करते हैं, एक इंटरव्यू में लता जी से पूछा गया कि उनका बेस्ट, उनका फेवरेट को सिंगर कौन सा था, और जवाब था वही एक नाम जो सबके दिलों में राज कर रहा है, किशोर कुमार। तो लता जी के फेवरेट को सिंगर रहे हैं किशोर कुमार जी। और जाते जाते मैं आपको यह भी बता दूं कि लता मंगेशकर जी ने 14 अलग अलग भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, जो कि उनके नाम पर दर्ज है, एक रिकॉर्ड है। और ये थी लता मंगेशकर जी की स्टोरी। अगली बार मैं किसी और बॉलीवुड एक्टर की कोई और स्टोरी लेकर आपके सामने पेश होऊंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी पता चलता रहे और आप इसी तरह इन वीडियोस को एंजॉय करते रहें। जाने से पहले आप सभी को एक बार मेरा फिर से धन्यवाद, नमस्कार।